यूपीएससी 2021 का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का दबदबा कायम रहा। टॉप 10 की सूची में 5 लड़कियों का जलवा बरकरार रहा। वहीं यूपी के जलौन की रहने वाली हर्षिवानी ने पहली बार में परीक्षा के पास कर 569वीं रैंक हासिल की है। बेटी की इस सफलता पर माता पिता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बेटी ने यूपीएससी के एग्जाम में सफलता प्राप्त की है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत लकी हूँ मैं। आपकी बेटी ने आपको अपना प्रेरणा स्रोत बताया है इस परीक्षा को लेकर के। जी जी, इसको लेकर के आपने किस तरह से उसको मोटिवेट किया? जी, एक्चुअली बताऊँ तो मैं भी तैयारी करता रहा हूँ यूपीएससी की, और अनलकी रहा कि मैं नहीं क्रॉस कर पाया हूँ। हालांकि मैं लोक सेवा की परीक्षा पास कर लिया, सर्विस भी मैंने की, तो मैंने अपना सपना अपने बेटी में देखा, वो उसने पूरा कर दिया। किस जॉब में रहे हैं? मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में था, उद्योग विभाग में मैनेजर था वहाँ। जी, रिटायर हो गया हूँ मैं। क्या नाम? मैं भगवान दास हूँ, असिस्टेंट मैनेजर था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। आपको बता दें कि जलौन के मुख्यालय उरई के मोहल्ले भगौरा में रहने वाली हर्षिवानी ने यूपीएससी परीक्षा को पास कर जिले का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही उनके माता पिता इस सफलता पर बेहद खुश हैं। हर्षिवानी की प्रारंभिक शिक्षा कैथेड्रल कॉलेज आईसीएससी बोर्ड झांसी से रही है, जबकि ग्रेजुएशन HBTI कानपुर से है। अपना ग्रेजुएशन करने के बाद हर्षिवानी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली चली गई, जहां बाजीराव एंड रवि कोचिंग संस्थान दिल्ली में दाखिला लिया। 2 साल की कड़ी मेहनत करके कोचिंग की, COVID-19 की वजह से उन्हें वापस उरई आना पड़ा और घर पर ही सेल्फ स्टडी जारी रखी। रात दिन मेहनत करने के बाद पहले प्रयास में हर्षिवानी ने 569वीं रैंक हासिल की। हर्षिवानी ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा के लिए उन्होंने अलग अलग तैयारी नहीं की, बल्कि दोनों को एक साथ ही तैयारी की, क्योंकि ज्यादातर विषय परीक्षा में एक जैसे ही होते हैं, फर्क सिर्फ वैकल्पिक और विषय परक का होता है। हालांकि इनको प्रेरणा माता पिता से मिली, उन्होंने इस परीक्षा के बारे में उन्हें बताया। IAS निकालना, कैसी तैयारी की, कितने दिन? ये मेरा तीसरा प्रयास था और मेरा पहला मेंस और मेरा पहला इंटरव्यू था ये, तो ये 3 सालों की मेहनत का अब नतीजा मुझे मिला है। कहाँ कोचिंग करी है? जी, तो मैंने शुरुआत में 2018 से 19 में बाजीराम एंड रवि में न्यू दिल्ली में कोचिंग करी थी। उसके बाद मैं घर आ गई और फिर मैंने सेल्फ स्टडी से ही पूरा प्रयास किया है। कौन सी रैंक आई है आपकी? जी, मेरी 579 रैंक आई है। आपको IAS बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली और IAS बनकर के आप क्या बदलाव करना चाहती हैं देश और समाज के लिए? जी, प्रेरणा मुझे मेरे फादर से ही मिली, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में बताया। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएट हुई, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अपने करियर में क्या करना चाहिए, तो मुझे लगा कि UPSC मेरे लिए एक आइडियल करियर ऑप्शन है। और IAS बन के अभी तो खैर मेरी रैंक ऐसी है कि मुझे शायद IAS ना मिले, लेकिन मैं शायद अगले अटेम्प्ट्स दूंगी और फिर कुछ समाज के लिए अच्छा करना चाहती हूँ। पढ़ाई के दौरान आपने जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनसे बस एक ही कहना होगा कि कभी हिम्मत ना हारें, हार्ड वर्क करते रहें, उसका कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है, तो बस प्रयास करते रहें, लगे रहें और मेहनत करते रहें। तैयारी में के समय आपने परीक्षा को लेकर किस तरह की रणनीति अपनाई, कितना आप समय देती थी, किस तरह करती थी जिससे कि आने वाले जो छात्र हैं जो इस तरह से करें जिनको लाभ? जी, तो बेसिकली मेरी पढ़ाई ऐसी रहती थी कि मैं दिन में लगभग 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी और मेरा एक शेड्यूल होता था हर दिन का। मैं एक दिन पहले ही अपना टाइम टेबल बना लेती थी कि मुझे कितने घंटे से कितने घंटे क्या पढ़ना है। मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई करना पसंद करती हूँ। खैर, सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। और जहाँ तक बात रही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, तो मैंने प्री और मेंस के लिए इंटीग्रेटेड पढ़ाई करी। मैंने वो सब्जेक्ट्स जो दोनों में कॉमन होते हैं उनको पहले से ही प्रिपेयर कर लिया था और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करी, रिवीजन पे फोकस किया और इस तरह से मैंने ये सफलता प्राप्त की। आपकी जो UPSC में 579 रैंक आई है, तो कितना लंबा वक्त लगा, किस तरीके से आपने इस तैयारी को किया? जी, वक्त को तो काफ़ी लग गया, क्योंकि ये मेरा तीसरा प्रयास था और पहली बार ही मेरा प्री क्लियर हुआ था इस बार, तो प्री क्लियर हुआ, फिर मेंस क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू क्लियर हुआ, तो काफ़ी सालों की मेहनत थी ये जो इस साल रंग लाई। श्रेय देती है ये सब? जी, श्रेय मैं अपने माता पिता को, भगवान को, अपने सारे परिवार और अपने फ्रेंड्स को देना चाहती हूँ।
वहीं हर्षिवानी ने बताया कि उन्हें ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का कैरियर काफ़ी अच्छा लगा। टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ाई की, अगले दिन के लिए टास्क एक दिन पहले ही तैयार कर लेती थी। इसी का नतीजा है कि यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर कर पाई। मानती हूँ क्योंकि मेरे परिवार में कभी भी मुझे किसी भी गृह कार्य के लिए कुछ भी फोर्स नहीं किया जाता था, तो मैं अपने मन से पढ़ाई करती थी जितना भी देर मुझे करना होता था। लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत सारी महिला अभ्यर्थियों के लिए ये एक समस्या है क्योंकि उन्हें अपने घर कार्य में भी थोड़ा सा सहयोग देना पड़ता है। तो उनको मैं बस ये कहूँगी कि लगे रहें, मेहनत करते रहें, जितना भी समय मिलता है उतना समय दें, लेकिन अपना जुनून न छोड़ें। परीक्षा के समय में कुछ लंबे दौर में उस समय ऐसा भी आया हुआ जब आपको निराशा हुई होगी, या अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए किन चीज़ों का सहारा आपने लिया, या किन हॉबीज जो आपकी थी जिसके सहारे आपने जो है इस मानसिक तनाव को कम करने का या अपने आप को प्रोत्साहित करने का जरिया बनाए रखा? जी बिल्कुल, जब 3-4 साल का सफ़र हो जाता है तो ऐसे क्षण आना बिल्कुल ऑब्वियस है कि ऐसा होगा ही होगा। 2 बार प्री नहीं क्लियर हुआ तो बहुत ज़्यादा हताशा होती थी, बहुत लगता था कि नहीं हो पाएगा मुझसे, मुझे छोड़ देना चाहिए, कुछ और जॉब कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं बीटेक बैकग्राउंड से हूँ तो लग रहा था कि इंजीनियरिंग जॉब पर शायद वापस जाना चाहिए। उस समय इनर मोटिवेशन ही काम आता है। मुझे लगता है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत देर तक आपको सस्टेन नहीं कर सकता। आपके अंदर से जो भी जुनून है जिसकी वजह से आपने ये परीक्षा देने का सोचा है, आपको उस वाई पे वापस आना चाहिए कि आपने क्यों सोचा कि आप इतने सारे करियर ऑप्शंस के अलावा आपको यूपीएससी करना है। अगर आपका वाई बहुत स्ट्रांग होगा तो आप निरंतर मोटिवेटेड रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। क्या सब्जेक्ट रहे आपकी? जी मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था तो मैंने उससे अपना एग्जाम दिया। इस चैनल को देखने